और एक बोला था कि मैं 2018 से हूँ, मैं 2018 से हूँ और मेरे को पता है कि ई स्पोर्ट्स आज है कल नहीं, ऐसा डाइसी सीन रहता है ई स्पोर्ट्स का। मतलब इनडायरेक्टली उनको क्या बोलने का था मेरे को समझा। तो सुनो, उनका नाम नहीं ले रहा, आप सुनो, मैं 2019 में भी था, मैं 2020 में भी है, 2021 में भी था, 2022 में भी हूँ, 23 और 24 में भी रहूँगा और आने वाले 10 साल तक रहूँगा और इधर ई स्पोर्ट्स में ही रहूँगा, ठीक है। और जब तक रहूँगा ना तब तक अचीवमेंट्स रुकेंगे नहीं, सिर्फ बढ़ते रहेंगे। और पैसे वो तो आपको कमाने हैं, हम तो भाई अपने को भगवान का दिया सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है। ऐसा कोई लालच नहीं है पड़ी कि खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। भाई खुद के पैसे का कमाता हूँ, खुद के महंगे महंगे शौक पूरे करता हूँ, फैमिली को संभालता हूँ, घर पे पैसे ही देता हूँ, खुद का घर खरीदा हूँ, सब कुछ है भाई। बट वही है ना कि हम दिखाते नहीं, जो दिखता है वही बिकता है ये। और ये जो कम्युनिटी है इसमें अपन सच नहीं बोल सकते, अपने को प्रिटेंड करके रहना पड़ेगा गाइस। उनके टीम के एक बंदे ने पास्ट में लड़की को ऑन स्ट्रीम गाली दिया था और बहुत गंदा गंदा बोला था, तब ये कहाँ थे, उसने उस पर ओपिनियन मांगो। भाई भाई वो उसका लुकआउट है, वो आप किसके बारे में बोल रहे हो मेरे को पता है, पर वो उसका लुकआउट है। देखो वही है, कुछ कुछ चीज़ों में बातें होती है, कुछ कुछ चीज़ों में बातें नहीं होती, जो अपने फेवर में रहती है वो चीज़ों में बातें होती है, जो नहीं रहती वो चीज़ों में बातें हम नहीं करते। और मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा वो चीज़ के बारे में, मैं किसी और इंसान के बारे में बात कर रहा जो आके। बट मेरे को तुम एक चीज़ बताओ कि मैंने वो लड़की को, मेरे को बस एक चीज़ जानना है, वो बंदा आके बोल रहा है मैंने डिसरिस्पेक्ट किया वुमेन को, ठीक है, जबकि मेरे घर पे 3 फीमेल रहती है और मैं उनके साथ पूरा दिन रात रहता है, और उसमें से एक मेरी भांजी है जो मेरे दिल के इतने करीब है, मैं उसके साथ दिन रात रहता हूँ, ठीक है, उसको हर एक चीज़ उसकी पूरी करता हूँ। मेरे मॉम को कभी कोई चीज़ की कमी पड़ने नहीं दिया, ना मेरी बहन को कमी पड़ने दिया, हर एक चीज़ पूरी करता हूँ। और ये बंदा आके मेरे को बोलता है कि मैं वुमेन्स का डिसरिस्पेक्ट करता हूँ। भाई तुम्हारा काम है, आओ तुम स्ट्रीम करो, और अगर तुमको कोई दिक्कत है, ठीक है, तो कॉल करो और बात करो, क्योंकि वही टॉपिक में तुम नहीं हो बीच में, ठीक है, और किसी ने तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांगा है, तो तुम कॉल करके बात कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। इधर मेरा और पायल का था, मैंने बोला, पायल ने बोला, टॉपिक ख़त्म। आई एम टॉकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ पायल वाला सीन ना, आई एम टॉकिंग ऑन द बिहाफ। ऑलरेडी पायल ने बोल दिया, पर तो भी तुमको उसके बिहाफ पे बात कर